बिसम अल्लाम प्यारे दोस्तों अल्लाह पाक आपको सलामत रखे उस्ताद रसूल आपके सामने आज का मौजू है एक बकरी का एक माह का कितना अखराज होता है मैं यही आपके साथ शेयर करता हूँ और जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबाएँ प्यारे दोस्तों ये जो बकरी होती है फुल साइज़ की उसका अखराज एक माह का तकरीबा तीन हज़ार रुपये होता है तीन हज़ार मतलब अगर रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं दो तीन सौ ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है चूँकि आज कल के हिसाब से मतलब हमने डेली का आधा किलो गंदम खिलाना है आधा किलो का जी पचास रुपया बनता है इसके अलावा हम हमारी जो बकरी है एक माह में पचास से साठ के जी भूसा खाएगी छोले का या गुआरा मूँगी और उसका दाम रेट भी यही बनते हैं कि वो भी बारह तेरह सौ की बन जाती है इसके अलावा छोटी मोटी मतलब डिवर्मिंग बैरूनी अंदरूनी और कोई ना कोई निकस मिलाकर तकरीबन तीन हज़ार रुपये फुल साइज बकरी का अर्जाज है और हम अगर एक साल रखेंगे तो हमारा छत्तीस हज़ार रुपए एक बकरी पर अखराज आएगा और ये आपने बिल्कुल हमेशा जब भी काम करना है हमने ये देखना है कि हमारा अखराज कितना आएगा हम जब अखराजात में कम बेशी करते हैं हम जो छत्तीस हज़ार हमारा साल का अखराज है जब इसके अलावा जब डिलीवरी होगी या डिलीवरी से पहले कम अज़ कम एक हज़ार डेढ़ हज़ार डिलीवरी से पहले हज़ार डेढ़ हज़ार बाद में यानी हमारा ये भी इजाफी अखराज आएगा ये हमने देखना है कि हमारी बकरी जब डिलीवरी होने वाली है तो एक साल में तकरीबन अठतीस अठतीस हज़ार रुपये अखराजात उसका है फिर उसके बच्चे आएंगे जब बच्चे आएंगे तो ये ज़रूर है जब हम ये ख़ुराक दे रहे हैं तो इन ताला हमारी बकरी दो बच्चे जौन से ऊपर देगी और प्यारे दोस्तों आप खूब समझते हैं कि उसका मैं समझता हूँ कम अज़ कम बकरी जो होती है वो चौदह माह में दो बार डिलीवरी होती है आम रूटीन वर्क में लिहाजा एक साल में भी वैसे दो बार डिलीवरी हो जाती है लेकिन उस जो है चौदह माह में होती है और चौदह माह में अगर हम देखें चालीस बैतालीस हज़ार रुपए हमारा अखराज आएगा लेकिन बच्चे हमें अगर दो भी दे तो चार बच्चे मिलेंगे और चार में से मैं समझता हूँ हमारा एक बच्चा जो पहली बार डिलीवरी वाला होगा वो तकरीबन आठ महीने का हो चुका होगा और जब हमने उसकी अच्छी केयर की उसका इजाफी अखराजात आएगा ज़रूर और जब हमने वो किया और उसका अखराज जो है आठ माह का बा मुश्किल आठ माह तक पाँच से छः हज़ार रुपये होगा और चूँकि छोटे बच्चों का कोई अखराज कम होता है तो हमारा इन बच्चा ही वो अखराज बराबर कर लेगा और तीन बच्चे हमें बच जाएंगे और इसी तरीके से प्यारे दोस्तों जब हम अपने कारोबार को पूरी तरह उस पर अखराजात भी करें उनकी बकरियों के बच्चों को भी सही देखभाल करें तो फिर तो हमें मैं समझता हूँ कि चौदह माह में अगर अल्लाह पाक की मेहरबानी शामिल हाल हो और अपनी भी बंदा पूरी कोशिश करे तो चौदह माह में मैं समझता हूँ तकरीबन जितनी आप अमाउंट लगा चुके हैं उतनी के उम्मीदवार बड़े आराम से हो सकते हैं लेकिन अगर तो हमने कोई मेहनत में गफलत बरती तो फिर तो मैं समझता हूँ बकरी पहले तो ब्रीड नहीं हो, हो पाएगी जब ब्रीड होगी तो तीन चार माह के बाद बच्चा वो वो ज़ाया कर देगी या बच्चा देगी तो दूध इतना होगा कि उसका बच्चा जो होगा आठ माह का हो बिके का भी, भी बामश्किल अठारह बीस हज़ार में तो प्यारे दोस्तों ये चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि दोस्तों हमारे हमारे जितने दोस्त हैं वो इन चीज़ों पर ख़ास ध्यान दें और यही मरकजी चीज़ें हैं जब एक चीज़ को इंसान जड़ से समझता है तब उस पौधे को कामयाब इंसान कर सकता है जब उसकी जड़ का भी पता ना हो कि इसका क्या हो रहा है तो फिर पौधे से क्या मिलने वाला है तो प्यारे दोस्तों मैं आपके साथ ये एक छोटा सा मशवरा शेयर किया है और मेरी ये रूटीन है कि मैं समझता हूँ कि एक एक चीज़ दोस्तों तक पहुँचा दोस्तों को एक महर बनाया जाए फार्मर का फार्म बनाने का और चाहे कोई एक बकरी भी रखी बैठा है तो वो किसी से पूछने की जहमत न करनी पड़े और जो भी मेरी वीडियो दे, देखता रहा तो मैं समझता हूँ इन उस इंसान को किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और इन वो सेट रहेगा और खुश रहेगा तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना एक छोटा सा मशवरा अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ तब तक के लिए अल्लाह हाफि